हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइनस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइनस की एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी कि एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है, डायवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। टेरिडोफाइटा से रिलेटेड मैं काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपके आप चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा टेरिडोफाइटा की काफी सारी वीडियोस। अब हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी हम साइकस के रिसेंटली, आपको याद होगा तो हमने साइकस की दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और जिम्नोस्पर्म के जनरल करेक्टर्स को भी अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल के अंदर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उस पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पाइनस के बारे में स्टडी करेंगे। पाइनस में सबसे पहले हम इसका करेंगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर पाया जाता है, इसकी कितनी स्पीसीज है इंडिया में, इसकी कितनी स्पीसीज पाई जाती है, प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, ठीक है। तो ये तो इसका हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन में। और उसके बाद हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, इसके रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में, किस तरह के रूट है, किस तरह का स्टेम है, लीव्स कैसे है। एनाटॉमी में हम देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन काट करके उसमें किस किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है सबके सब अपनी एक्सटर्नल या इंटरनल मॉर्फोलॉजी में एक ज़ेरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं इसका इंट्रोडक्शन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये जो है किसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो इसकी लगभग 105 स्पीसीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इंडिया में इसकी जो 6 स्पीसीज है जो मोस्टली ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके बारे में हम बताएंगे, जैसे कि पाइनस रोक्स बर्गाई, इसको हम चीर पाइन भी बोलते हैं। और इसको हम हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चीर पाइन है यानी कि पाइनस रोक्स बर्गाई है, ये लगभग 460 से 2300 मीटर की हाइट पर मिलता है। ये जो हिमालय होती है, हिल्स जो होते हैं, मतलब घाटियां जो होती हैं, मतलब ये हाइट पर इसको हम वहां पर इस तरीके से, जब जितने भी आप जिम्नोस्पर्म प्लांट को स्टडी करोगे तो इसका यहाँ पर ये जो 460 या 2300 मीटर लिखा हुआ है, ये इस जिम्नोस्पर्म के प्लांट की हाइट नहीं लिखी गई है, ये लिखा गया है कि वो कितने हाइट पर मिलते हैं हिमालय पर या किसी भी जगह पर, कितने हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, जैसे पाइनस रॉक्स बर्गाई है, ये 460 मीटर से 2300 मीटर तक की हाइट पर मिलता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान और भूटान में भी पाया जाता है पाइनस जिराल्डियाना। इसको इसके जो पाइनस जिराल्डियाना का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इसमें ड्राई सीड जो कि चिलगोजा, इसको हम चिलगोजा के बीज भी बोलते हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो है पाइनस जिराल्डियाना से मतलब की प्राप्त किया जाता है, इसको एज अ फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। और ये जो है कहाँ पर, कितनी हाइट पर मिलता है, लगभग 1800 से 3000 मीटर की हाइट पर मिलता है, ये कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी मिलता है। और ये है पाइनस मर्क्यूसाई, पाइनस मर्क्यूसाई लगभग 50 से 150 मीटर की हाइट पर मिलता है, ये वेस्टर्न हिमालय पर मिलता है, ठीक है। पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस अर्मेंडाई, पाइनस एक्सलसाई, ये सब जो है हाइट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। पाइनस अर्मेंडाई वेस्टर्न चाइना में मिलता है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये वेस्टर्न चाइना में ही मिले, मतलब इसकी ज्यादातर जो स्पीसीज है जो नेचुरल होम होता है हम उसके बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि किसी प्लांट का नेचुरल होम होता है, एक होता है कि आपने उस प्लांट को नेचुरल होम से निकाल करके कहीं और पर लगाया है, ठीक है। तो हम नेचुरल होम से ज्यादा स्टडी करते हैं। और अब यहाँ पर इतनी 6 स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है मोस्टली। और अब हम बात करेंगे पाइनस के प्लांट बॉडी के बारे में कि इसकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है। तो जिम्नोस्पर्म का करेक्टर क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, सब स्पोरोफिटिक होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दे आर डिवाइड इंटू ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम्स, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, इन तीनों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये पाइनस का जो प्लांट है ये भी ट्रू लीव्स एंड रूट स्टेम में डिवाइड होता है और स्पोर बियरिंग होता है, इसमें भी स्पोर्स बनते हैं और ये हिट्रोस्पोरी शो करता है, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, ठीक है। छोटे एक तो होता है कि स्मॉल स्पोर, एक बड़ा स्पोर होता है जिसको मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये पेरेनियल होते हैं, पेरेनियल मतलब आप समझ सकते हैं, एक तो होता है एनुअल, ठीक है, जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही साल में कंप्लीट करता है, एक होता है पेरेनियल मतलब कई वर्षीय, बहुवर्षीय होता है, ठीक है। और ये जो है वुडी टाइप का होता है। और आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसमें उसके जाइलम में वेसल सब्सेंट होती है, जिसके कारण इनके जो वुड होते हैं वो ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते, ठीक है, मतलब एकदम से टाइट, या आप कह सकते हैं
कि ठोस नहीं होते, ठीक है, सॉलिड। इनके जो आप अपने एंजियोस्पर्म से आप कंपैरिजन करते हैं तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ियां जो वुड होती हैं वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि जाइलम वे वेसल्स अब्सेंट होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाती। हाँ, एक्सेप्ट निटम, निटम में मैंने आपको बताया था कि निटम में जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है। और अब हम बात करते हैं कि इनकी जो किस तरह से अपीयरेंस होती है, तो ज्यादातर जो प्लांट है वो पिरामिडल शेप के आपको दिखाई देंगे, ठीक है, पहाड़ों पर आपको, हिमालय पर पिरामिडल शेप के दिखाई देंगे। और इसमें टू टाइप की ब्रांचेस पाई जाती है, एक होती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक होती है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि नाम से ही शो हो रहा है कि जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होगी उसकी जो ग्रोथ पॉइंट होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है, उसको हम ड्वार्फ शूट बोलते हैं। एक होता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसका जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, वो कितनी भी लंबाई उसकी जा सकती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शूट, ठीक है। एक होता है ड्वार्फ शूट, एक होता है लॉन्ग शूट। जब यहाँ पर जो ड्वार्फ शूट है उस पर जो है फीमेल कॉर्न पाया जाता है, एक होता है लॉन्ग शूट उस पर पाया जाता है मेल कॉर्न, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी इसकी लीफ की एनाटॉमी की बात करें तो पाइनस में जो लीफ होती है बड़ी डिफरेंट होती है, निडल लाइक, ठीक है, सुई के आकार की निडल लाइक। और इसमें दो तरह की लीफ पाई जाती है, एक होती है फॉलिएज लीफ, एक होती है स्केली लीव्स, ठीक है, तो इनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। अभी ये यहाँ पर जो फॉलिएज लीफ है वो कई सारी स्पीसीज में अगर सिंगल है तो उसको मोनोफोलिएट बोलते हैं, डबल है तो डाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, टेट्राफोलिएट, क्वाड्राफोलिएट, इस तरीके से इसका जो है अलग अलग तरीके से जितने भी स्पीसीज में निडल जो है अलग, अगर सपोज की निडल दो है तो उसको हम बाइफोलिएट बोलेंगे, तो वो सब डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये था पाइनस का इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर इसका करेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस, तो चलिए स्टार्ट। तो प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस। अब हम यहाँ पर पाइनस को देखेंगे कि ये एक्सटर्नली कैसा दिखाई देता है, बाहरी रूप से किस तरह से दिखाई देता है, इसकी प्लांट बॉडी किस तरह से है, ठीक है, अगर इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो एक ही प्लांट पर है या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर है। जैसे जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है वो कॉन्स के रूप में पाए जाते हैं, तो हम देखेंगे मेल अगर मेल और फीमेल कॉन अगर एक ही प्लांट पर पाया जाता है तो हम उसको मोनोसिस बोलते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर पाया जा रहा है मतलब मेल प्लांट अलग है फीमेल प्लांट अलग है तो हम उसको बोलते हैं डायोसिस प्लांट, ठीक है। और भी कुछ स्ट्रक्चर जैसे स्टेम को देखेंगे बाहरी रूप से कैसा दिखाई देता है, ठीक है, और इसकी लीव्स कितने प्रकार की होती है। जनरली हम देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें दो तरह की लीव्स पाई जाती है, स्केली लीव्स और फोलियज लीव, ठीक है। और भी यहां पर हम देखेंगे इसके रूट्स किस तरह का पाया जाता है, रूट्स के अंदर किस तरह की मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके रूट्स में अगर जिम्नोस्पर्म के रूट्स अगर देखते हैं तो उसके अंदर जो है फंगल एसोसिएशन या एल्गी का एसोसिएशन पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, तो उसको भी हम यहां पर देखेंगे। लीव्स यहां पर लीव्स की स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्टेम की स्ट्रक्चर को, रूट को स्ट्रक्चर को, ठीक है, और कंप्लीट प्लांट बॉडी को देखेंगे एक्सटर्नली। तो सबसे पहले हम पूरे प्लांट की बात करते हैं, तो पाइनस का जो प्लांट होता है वो लार्ज होता है मतलब बड़ा प्लांट होता है और पेरेनियल होता है, बहुवर्षीय, एक से ज़्यादा साल, मतलब अगर कोई प्लांट जो होता है वो एक से ज़्यादा साल उसकी लाइफ साइकिल होती है तो उसको हम बोल देते हैं पेरेनियल के अंदर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, और ये कई वर्षों तक के ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, और एवरग्रीन प्लांट है। एवरग्रीन मतलब कि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो लीफ फॉल नहीं होता, ठीक है, हमेशा हरे भरे रहने वाले होते हैं। और उसके बाद ये मोनोसिस प्लांट है, दैट मींस इसके जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म प्लांट, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, मतलब इसमें मेल और फीमेल कौन जो है वो एक ही प्लांट पर एग्जिस्ट करता है, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोलेंगे एक मोनोसिस प्लांट है। जबकि साइकस को देखा था वो डायोसिस प्लांट था, क्योंकि उसमें मेल प्लांट अलग था, मेल जिसमें जिस पर मेल कौन प्रेजेंट था, फीमेल प्लांट अलग था जिस पर मेगास्पोरोफिल या आप कह सकते हैं फीमेल कौन अलग प्रेजेंट था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्टेम के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने एंटायर प्लांट ऑफ पाइनस का जो है तरीके से एंटायर प्लांट ले लिया, जिसके अंदर लीफ सब कुछ स्टेम सब कवर हो गया, ठीक है, रूट को छोड़कर। तो अब हम इसमें स्टेम को देखते हैं, ध्यान से देखें ये स्टेम की एक्सटर्नली कैसा दिखाई देता है। तो स्टेम जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है और एरियल होता है, ठीक है, एरियल होगा, इरेक्ट होगा, ऊपर की तरफ उठा होगा और सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, और कवर्ड बाय स्केल लीव्स। इसकी स्टेम पर जो है वो स्केल लीव्स पाई जाती हैं और स्केल लीव्स क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। और इस स्टेम पर टू टाइप्स की ब्रांचेस पाई जाती हैं, ठीक है, टू टाइप्स की ब्रांचेस कौन कौन सी, एक तो होती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक होती है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ मतलब जो होता है मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब कि, और जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होता है वो ग्रोथ करता ही रहता है, ठीक है, वो मतलब उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है। तो जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होता है
उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ सूट, ठीक है, क्या बोलेंगे, ड्वार्फ सूट। और जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग सूट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ब्रांच ग्रो, जिसमें जो ब्रांच होते हैं वो स्पाइरली, पाइनस के प्लांट में आप देखेंगे जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम की वो स्पाइरली ग्रो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाली जो ब्रांच है वो बड़ी सी हो जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी छोटी, तो एक कोन की तरह, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर, एक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगी, मतलब एक तरीके से पिरामिडल स्ट्रक्चर या कॉनिकल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, मतलब तरीके से इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, पिरामिडल या कॉनिकल। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, दैट मींस दे आर डिवाइड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में, ठीक है। स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर बियरिंग, इनके जो कॉन्स होते हैं उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लीव्स के बारे में। जो पाइनस का प्लांट होता है उसमें लीव्स जो होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और टू टाइप्स की होती हैं जो लीव्स होती हैं वो, टू टाइप्स की, एक होती है फॉलिएज लीफ, एक होती है स्केली लीफ। स्केली लीव्स के अगर बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो है प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं, ठीक है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कर पाने की, जिसके कारण ये, इनका काम जो होता है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है, और ये ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फोलियज लीफ के बारे में। फोलियज लीफ जो होता है वो ड्वार्फ शूट पर पाया जाता है, और इस पर मतलब ये जो देख रहे हैं, ये है, जैसे कि आपने देखा कि एक इस पर मतलब एक ग्रुप में, ठीक है, एक ब्रांच, एक इस तरीके की छोटी सी एक ब्रांच, एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर ये जो है कई सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट निडल प्रेजेंट होते हैं। देखो ये ट्राईफोलियर इस पर है, ये पेंटाफोलियर इस पर है। पेंटाफोलियर इस पर किस में, किस वाले पाइनस की किस स्पीसीज में पाया जाता है, पाइनस एक्सलेसा, और पाइनस सिल्वेट्स ट्रीज में बाइफोलियर इस पर पाया जाता है। बाइफोलियर मतलब कि जो इस पर प्रेजेंट है उस पर सिर्फ दो निडल्स निकलती हैं, और इस पर 5 निडल्स निकलती हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट निडल्स। और उसके बाद दोस्तों बाहर से साउंड वगैरह वीडियो के अंदर ना आए, एक्स्ट्रा साउंड, इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ जाता है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया था, और ये भी बताया था कि अब यहाँ पर हमने स्केल लीव्स को डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं फोलियज लीफ के बारे में। तो फोलियज लीफ ड्वार्फ शूट पर लगती है, निडल लाइक होती है, और जीरो फिटिक करेक्टर शो करती है, ठीक है। अगर आप इनके जीरो फिटिक करेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो है ट्रांसपिरेशन कम होती है, जितने भी जीरो फिटिक प्लांट होते हैं उनके आसपास जो है वो जो है वाटर की कमी होती है, जिसके कारण जो है वो अपनी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अपने जो मतलब कि उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो लीव्स हो या स्टेम हो या रूट हो, मतलब एक ऐसा मॉडिफिकेशन बना लेती हैं जिससे कि वो जो वाटर होता है उसका लूज कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस, एक ऐसी आवश्यक बुराई होती है प्लांट के अंदर, एक ऐसी नेसेसरी इविलनेस होती है जिससे कि प्लांट के अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर की मात्रा होती है वो बाहर निकल जाए। अब सोचो कि जो जीरो फिटिक प्लांट है, जो कि जीरो फिटिक करेक्टर शो कर रहे हैं, मतलब वहां पर प्लांट, एक तो वाटर की कमी है, ऊपर से वो ट्रांसपिरेशन करेंगे तो पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा। तो इनके बॉडी के अंदर इसके जो लीव्स हैं वो ऐसे मॉडिफाइड हो जाती हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो। अब जैसे निडल लाइक है, तो निडल लाइक है तो इसमें ट्रांसपिरेशन इसमें कम होता है, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर लिखा गया निडल लाइक ज़ेरोफिटिक करेक्टर शो करता है, और फोटोसिंथेटिक होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोलियज लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का होता है, और फोटोसिंथेटिक होता है मतलब कि ये अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करता है, ठीक है, और इसी के थ्रू जो है फूड का फॉर्मेशन होता है लीफ के थ्रू। और लेस ट्रांसपिरेशन सरफेस, इस पर ट्रांसपिरेशन का जो सरफेस होता है वो कम होता है। निडल लाइक होगा तो ट्रांसपिरेशन सरफेस ऑटोमेटिकली कम ही होगा। तो फोलियज लीफ की जो कंडीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में अलग अलग होती है। जैसे ये देखिए पाइनस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोलियर लीफ, जैसे ये है ट्राईफोलियर इस पर। अगर आपसे कहें कि ट्राईफोलियर इस पर क्या है, तो जिस इस पर सिर्फ 3 निडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ट्राईफोलियर इस पर, ठीक है। जिस पर पेंटा मतलब कि 5 निडल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे पेंटाफोलियर इस पर। ये पाइनस एक्सलेसा में पाया जाता है, ये पाइनस सिल्वेस्ट्रीज में, ये बाईफोलियर इस पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूट के बारे में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें बहुत ही और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस डायग्राम पर फोकस कीजिए। देखो ये क्या है, ए पार्ट ऑफ स्टेम शोविंग द टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ पाइनस, पाइनस की टू ब्रांचेस को शो करता है। देखो ये तो है मेन ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग शूट,
ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होता है, मतलब ये कितना भी ग्रोथ कर सकता है। दूसरा है ये ड्वार्फ सूट। ड्वार्फ सूट पर आपने क्या देखा कि नीडल लाइक यहीं पर होता है, इस पर और इस पर झुंड में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ग्रुप में नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर मतलब लीफ प्रेजेंट होती है। कौन सी लीफ? फोलियज लीफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट के बारे में। ठीक है, पाइनस की जो प्लांट होता है उसमें रूट किस तरह का होता है? तो गाइज, अगर आप प्लांट के रूट को ध्यान से देखें, यह है प्लांट के रूट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, टैप रूट निकलता है। टैप रूट एकदम सीधा रूट निकलता है, जिस पर स्टार्टिंग में रूट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर रूट के बारे में कई जगह आपको अपने बुक्स में या कहीं पर भी या टीचर्स आपसे क्या बता सकते हैं कि इसमें रूट हेयर एब्सेंट होता है, लेकिन अब कई जगह लिखा होता है कि इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होता है, कई जगह होता है एब्सेंट। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके टैप रूट में स्टार्टिंग में जो है इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट फिर उसके बाद कुछ समय बाद ही वो जो है डिसअपेयर हो जाते हैं और फिर एक लैटरल रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक लिमिटेड स्टेज तक, कि वो तुरंत जो है बाद में डिसअपेयर होने लग जाते हैं। तो इसमें किस तरह का रूट प्रेजेंट होता है? टैप रूट प्रेजेंट होता है, और उस टैप रूट में जैसे ही रूट हेयर निकल डिसअपेयर होगा, उसके जस्ट साइड में लैटरल प्राइमरी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। इन प्राइमरी लैटरल रूट्स के अंदर दोस्तों होता है फंगस। ठीक है, इसके अंदर माइकोराइजल फंगस मिलता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। इसमें कौन से फंगस होंगे, किस मेंबर के? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। फंजाई का जो बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में जो मेंबर है उसके ग्रुप के मेंबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं इस प्लांट के लिए, एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, फूड मटेरियल या मिनरल सोर्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, बदले में जो रूट होता है वो इसको एक तरीके से स्थान प्रदान करता है और साथ में फूड का भी प्रोवाइडेशन करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है, तो इसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये जो यहाँ पर एक अलग बात क्या है कि ये जो फंगस होता है ये इसके टिश्यूज के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ बाहरी रूप से ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टोट्रॉफिक फंगस। कौन सा फंगस बोलेंगे? एक्टोट्रॉफिक फंगस। दैट मीन्स कि इसमें जो लेटरल रूट्स हैं उन पर जो फंगस लगा हुआ है वो अंदर टिश्यूज के अंदर नहीं जाता, सिर्फ बाहरी रूप से ही, जैसे कि ग्रीन ब्लू कलर के मैंने स्केच में जो है इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका रूट ज़्यादा डीपली नहीं जाता, मतलब बहुत अंदर तक के नहीं, गहराई तक नहीं जाता, सिर्फ इसमें जो लेटरल जो रूट्स होते हैं वो बाहर, कभी कभी ऐसा होता है कि सरफेस पर ही बाहर ही निकलती हुई आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, सो गाइज फाइनली यू कैन से कि जो रूट का काम क्या होता है, रूट का काम होता है फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, टैप रूट होता है, सिम्बायोटिक फंगस इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें स्टार्टिंग में फ्यू रूट हेयर प्रेजेंट, बट इट डिसअपीयर सून, बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाता है, एंड लेटरल रूट्स, मेनी लेटरल रूट्स आर डेवलप्ड। ठीक है, और इन रूट्स का काम क्या होता है, फिक्सेशन करना, एक तो प्लांट को फिक्स करना, और दूसरा होता है कि वाटर और मिनरल सोर्स का एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा इसके रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में, जिसमें हमने इसमें अभी इसका ये क्या था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब आपको हेडिंग डालना है इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस। सो फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। अब हम यहाँ पर इंटरनल मॉर्फोलॉजी में लीफ की एनाटॉमी को देखेंगे, कि जैसा कि हमने एक्सटर्नली देखा था कि लीफ जो है नीडल लाइक दिखाई देती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर कहीं पर बाईफोलियर, कहीं पर ट्राईफोलियर, कहीं पर टेट्रा, तो कहीं पर पेंटा। ये जो नीडल लाइक एक स्पर के अंदर ये जो नीडल लाइक लीफ है जो कि फोलियज लीफ है, उनकी संख्या 1 से 5 तक हो सकती है। इसी के बेस पर वो मोनोफोलियर, बाईफोलियर, ट्राईफोलियर, टेट्राफोलियर, पेंटाफोलियर, इस तरीके से हम उसको क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। तो इस पर में ये जो नीडल लाइक लीफ है, फोलियज लीफ है, जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ठीक है, जब आप इसको बीच में से काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये जो है मतलब कि कई कई सारी स्पीसीज में, डिपेंड करता है स्पीसीज पर, पाइनस की मैंने कहा कि आपको 105 स्पीसीज है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट आउटलाइन आपको शो होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पाइनस लोंगाफोलिया की निडल के ट्रांसफर सेक्शन, पाइनस मर्क्यूसाई का ट्रांसफर सेक्शन, तो इसमें हमको ट्राइएंगुलर दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो ट्रांसफर सेक्शन जब आप काटेंगे तो इसका जो आउटलाइन है वो ट्राइएंगुलर दिखाई देगा। ये जो डायग्राम है ये आपको आप नॉर्मली स्टडी के लिए जो है डायग्राम बनाया गया है, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इससे डीपली स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, जाइलम, फ्लोएम या कंडक्टिंग टिश्यू किस तरीके से है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है।
तो अभी आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है कि एनाटॉमी ऑफ लीफ। एक्सटर्नली आप देख ही चुके हैं कि लीफ कैसा होता है, ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम काट कर देख रहे हैं इन दो डायग्राम की हेल्प से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पाइनस की जो लीफ है उसका एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है, उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको काट करके उसका डायग्राम बनाए, या 5 नंबर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में, तो कई तरीके से क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पाइनस के निडल का ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको समझना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो बाहर की तरफ, ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है जिसके बेस पर आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं या इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं इन पॉइंट्स को नोट करके, ठीक है। अभी सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसके बाहर की तरफ जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन को जब इसको स्टडी करेंगे तो बाहर की तरफ क्यूटिकल का एक थिक लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरोफिटिक करेक्टर के बारे में। जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो जीरोफिटिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जीरोफिटिक करेक्टर शो करने वाले कितनी सारे पॉइंट है। सबसे पहला तो यही मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पर ये स्टेट कर रहा है कि इसमें जो लीफ है वो निडल लाइक होता है। निडल लाइक लीफ से जब वहां पर क्या है कि ट्रांसपिरेशन सरफेस कम होगा, तो इससे कि ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखें, सबसे पहले बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल, ठीक है। इपिडर्मिस में क्यूटिकल और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है वो सनकेन टाइप है, सनकेन टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो इससे क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरोफिटिक करेक्टर को। सनकेन टाइप स्टोमेटा जो होता है वो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जैसे ध्यान से देखें इस स्टोमेटा को, ये अंदर की तरफ धसा हुआ स्टोमेटा है, इससे ट्रांसपिरेशन कम होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक प्लांट के अंदर होने वाली एक नेसेसरी इविलनेस, मतलब आवश्यक बुराई, जिससे प्लांट जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकालते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब सोचो कि जीरोफिटिक करेक्टर शो करने वाले जो जितने भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मतलब वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर वाटर की कमी होती है। अब एक तरफ वाटर की कमी है, दूसरी तरफ वो अपनी बॉडी से ट्रांसपिरेशन करेंगे, मतलब वाटर के निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, प्लांट मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारा इसमें मॉर्फोलॉजिकली इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मतलब कि अपने आप को इन्होंने ऐसे मॉडिफाइड कर लिया कि ट्रांसपिरेशन कम हो। जैसे इनकी लीफ है, इनके बाहर की तरफ क्यूटिकल का पाया जाना, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का पाया जाना, सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा पाया जाना, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का पाया जाना, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स इनमें पाई जा रही है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, ये सब जो है रिप्रेजेंट करती है एक जीरोफिटिक करेक्टर को, ठीक है। तो अभी आप क्या नोट करेंगे, बाहर की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट है, इपिडर्मिस जो होता है वो क्यूटिकल और सनकेन टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके जस्ट अंदर की तरफ आप जाएंगे तो हाइपोडर्मिस आपको दिखाई देगा, ठीक है। हाइपोडर्मिस आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 लेयर सिंगल स्क्लेरन काइमेटस, इन दोनों डायग्राम को ध्यान से स्टडी करें, ये देखेंगे ये जो है हाइपोडर्मिस के अंदर आएगा, जिसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, 2 लेयर ऑफ जो है स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के 2 लेयर पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर फर्स्ट, जैसे यहाँ पे हम नोट बनाना स्टार्ट कर लें, इपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल सेल थिकनेस लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि जिस पर क्यूटिकल और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नंबर सेकंड हाइपोडर्मिस, जो कि 2 लेयर ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का बना होता है, ये देख सकते हैं ये है स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पर होता है मेसोफिल, मेसोफिल जो होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये है मेसोफिल, इस मेसोफिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा ये अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेसोफिल, मेसोफिल किसका बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, मेसोफिल मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड जो कि मेसोफिल टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है, कंटेन क्लोरोफिल। उसके बाद नंबर फोर्थ पर आता है एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस जो है इसमें पाया जाता है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी पाया जाता है जो कि लेटरल कंडक्शन करता है, ठीक है। तो एंडोडर्मिस जो कहां पर प्रेजेंट होगा, मेसोफिल टिश्यूज के जस्ट इनर साइड में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस होता है, फिर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में पाए जाएंगे, ये देख सकते हैं, ये जो है फ्लोएम होता है और ये जाइलम होता है, ठीक है, इन दोनों का काम होता है
कंडक्शन का काम करना, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, जैसे मिनरल और सॉल्ट्स होता है उसको वाटर अब्जॉर्ब करता है और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्लोएम द्वारा जो फूड का, क्लोरोफिल द्वारा जो फूड का फॉर्मेशन होता है, तो वो फ्लोएम द्वारा पूरे पार्ट में प्लांट की लीव से लेकर स्टेम से लेकर सभी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस तरीके से कंडक्शन का काम होता है। ये नोट करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब जैसे जेरोफिटिक करेक्टर, जैसे थिक क्यूटिकल वॉल प्रेजेंट है, सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट है, जिससे कि लेस ट्रांसपिरेशन होता है और ये जेरोफिटिक करेक्टर को शो करता है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें, जैसे आपने इस डायग्राम में देखा था कि बाहर क्यूटिकल प्रेजेंट है, अब इसको क्या है कि आप ये समझ सकते हैं जैसे माइक्रोस्कोप है, या आप कह सकते हैं कि इसको बहुत ही जूम करके उसके अंदर ध्यान से देखा गया कि कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। तो इसको नोट करेंगे, ये है सब स्टोमेटल कैविटी है, ये स्टोमेटा है, सनकेन टाइप है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये क्यूटिकल क्लियर है, ये हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की दो लेयर से, इसमें रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म का एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है रेजिन कैनाल का प्रेजेंट होना, ये ध्यान से देखेंगे। उसके बाद एल्ब्यूमिन सेल्स प्रेजेंट है और ट्रेकिडियल सेल प्रेजेंट है जिस ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के अंदर, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का काम क्या होता है, लेटरल कंडक्शन, कंडक्शन जो है अपर कंडक्शन होता है, ऊपर की तरफ जो फूड मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या मिनरल सॉल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक होता है लोअर कंडक्शन मतलब नीचे की तरफ फूड मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक होता है लेटरल कंडक्शन, ठीक है। लेटरल कंडक्शन का काम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कर देता है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे ये जाइलम होता है, ये वास्कुलर बंडल जो होता है वो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसमें मेसोफिल होता है, मेसोफिल जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल से क्या होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे ये होता है मल्टी लेयर पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकल जो होती है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पाइरनस मर्क्यूसाई का डायग्राम है, ठीक है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है नीडल का, ये क्लोरोफिल और ये गार्ड सेल। गार्ड सेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा के जस्ट चारों तरफ सराउंडेड होता है गार्ड सेल्स, जो कि कंट्रोल करता है कि कब हमें सपोज दैट कि अगर इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब है तो उस समय गार्ड सेल्स बंद हो जाती है, ट्रांसपिरेशन एकदम रुक जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डायग्राम्स है, ठीक है। ये लीफ का एनाटॉमी है, इसको फटाफट नोट करें। सो फ्रेंड्स फटाफट हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम। अब हम यहाँ पर पाइनस के स्टेम की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को, स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। हमने एक्सटर्नली स्टेम को जब देखा था तो उसमें जो है ध्यान से देखा था हमने कि स्केली लीव से वो पूरी तरीके से कवर था, ठीक है, जो कि ब्रांच था, ठीक है। आगे जा करके जो स्टेम होता है पाइनस का वो ब्रांच हो जाता है, ठीक है। जो मेन में जो स्टेम निकलता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग शूट। और जो वहाँ पर ब्रांचिड होता है उसको जो जस्ट जो लेटरल ब्रांच निकलती है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ शूट, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसके लॉन्ग शूट जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो अनलिमिटेड जो स्टेम होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ वाला स्टेम, उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखते हैं तो अगर आप यंग स्टेम लेते हैं तो इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये ओल्ड स्टेम का डायग्राम है और ये यंग स्टेम का डायग्राम है। जब आप ओल्ड स्टेम यंग स्टेम लेते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जब आप ओल्ड स्टेम लेंगे तब इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो स्टेम होता है वो क्यूटिकल से लेयर्ड रहता है, ठीक है। स्टेम का जब आप सेक्शन काट कर देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो इसमें आपको दिखाई देगा बाहर की तरफ क्यूटिकल। और हमेशा ध्यान रखना ये यंग स्टेम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ओल्ड स्टेम का अगर डायग्राम अलग होगा और यंग स्टेम का डायग्राम अलग होगा, ठीक है। ओल्ड स्टेम में कॉर्क प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, लेकिन यंग स्टेम में ऐसा नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें क्यूटिकल बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल से लेयर्ड है, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट है, कहाँ पर पित्त और इन वैस्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट है, और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इस कैम्बियम की एक्टिविटी से ही सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, ठीक है। ये कैम्बियम जो है एक्टिव होकर के ग्रोथ करता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। इससे बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि आगे चल के डिवीजन करता है, डिवीजन अब इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है उसके डिवीजन करने से इनर साइड में बनेगा सेकेंडरी जाइलम, आउटर साइड में बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। अब वो दोनों सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम एक्टिव होकर के कॉर्क का निर्माण करते हैं, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब ये कॉर्क बन जाता है। तो इस तरीके से इसमें यंग स्टेम की और ओल्ड स्टेम की ये दोनों पहचान है, ठीक है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं इसके जाइलम में वेसल्स अब्सेंट होती है, जिसके कारण ये पूरी तरीके से कम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, लचकदार होती है इनकी लकड़ियाँ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होती है। और इनका जो
फ्लोएम होता है उसमें एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी सेल? एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसमें कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, इस चीज को भी नोट कर लेना है, ठीक है। सो अब ये इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर इंटरनल मॉर्फोलॉजी में स्टेम की जो एनाटॉमी है, ये सब तीनों के तीनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए मैंने इन तीनों डायग्राम को बनाया है। उसके बाद अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इपिडर्मिस, ठीक है। चाहे आप हिंदी में एक्सप्लेन करें या इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा इपिडर्मिस। इपिडर्मिस से शुरुआत करेंगे। तो इपिडर्मिस में आप क्या देखते हैं कि थिक क्यूटिकल, एक सिंगल लेयर इपिडर्मिस पाई जाती है जो कि थिक क्यूटिकल से लेयर्ड रहती है। नंबर सेकंड पर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ओल्ड स्टेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉर्क भी दिखाई देगा, ठीक है। इपिब्लेमा, ये देखें इपिडर्मिस, रेजिन केनाल, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है रेजिन केनाल, उससे ऊपर आप देखेंगे कॉर्क प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कॉर्क कैम्बियम कहलाएगा इनके बीच में। तो अभी हम कॉर्टेक्स में क्या बात करते हैं, कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, इसके अंदर रेजिन केनाल प्रेजेंट होती है, और जो रेजिन केनाल है वो बाई मतलब कि वो जो है एपिथेलियल सेल से सराउंडेड रहती है, ठीक है। उसके बाद एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस में बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। और उसके बाद आता है वैस्कुलर बंडल्स। ये जो वैस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं एक रिंग में अरेंज रहते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये जो है एक रिंग में अरेंज रहते हैं, कंजॉइंट होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कंजॉइंट रहते हैं, कोलेट्रल रहते हैं और ओपन टाइप, ध्यान से देखेंगे ओपन टाइप है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे इनके जो मैंने आपको बताया, इनके फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, जाइलम के अंदर वेसल एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें मेड्यूलरी रेज के बारे में। मेड्यूलरी रेज जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो इन पिथ और ये जो सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। पिथ किसका बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसके अंदर रेजिन केनाल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पिथ और वैस्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रेज भी प्रेजेंट होती है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे देखेंगे ये पिथ है, ये प्राइमरी जाइलम है, और ये रेजिन केनाल है, ये स्प्रिंग वुड कहलाएगा, ये वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा, ये कॉर्क हो जाएगा, ये रेजिन केनाल प्रेजेंट है कॉर्टेक्स के अंदर, ये एपिडर्मिस और ये क्यूटिकल, ठीक है। अब ये जो नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब आप इसके स्टेम को रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही काटेंगे तब आपको इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जिसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेकिट्स है और इसमें कैम्बियम और साथ में फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब आप इसका रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो इसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जाइलम जो होता है वो मिड अप ऑफ ट्रेकिट्स, ट्रेकिट्स का बना होता है जिसमें बॉर्डर पिट प्रेजेंट होते हैं। ये जो पिट्स हैं पोर की तरह होते हैं, छिद्र की तरह, ठीक है। अब ये पोर कहां पर प्रेजेंट है? बॉर्डर पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉर्डर पिट्स, ठीक है, ये ट्रेकिट्स प्रेजेंट है। उसके बाद आप फ्लोएम में देखेंगे, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और पैरेन्काइमा, फ्लोएम में देखेंगे इसमें सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं और सीव ट्यूब्स के अंदर सीव प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये लिविंग सेल्स रे विथ स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये एल्ब्यूमिन्स होती है, एल्ब्यूमिन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स के अंदर एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये तीन डायग्राम है, ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग स्टेम, ओल्ड स्टेम, और ये है रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ जो है पाइनस के स्टेम का। इसको फटाफट नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ये। क्या उस गली में तेरा कभी जाना हुआ, जहाँ एक जमाने को गुजरे जमाना हुआ। खामोशियाँ अल्फाज है, तुम इनको गुनगुनाओ जरा। सो प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट। यहाँ पर आई थिंक आप लोग बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैंने ये सॉन्ग गाया है। कमेंट में बताना कैसा गया है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ रूट। जैसा कि मैंने आपको इस एक्सटर्नली जब मैं रूट के बारे में डिस्कस कर रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया कि इसका जो रूट होता है वो टैप रूट पाया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में टैप रूट पाया जाता है एकदम सीधा, ठीक है। और स्टार्टिंग में रूट हेयर प्रेजेंट होती हैं, फिर लेकिन बाद में डिसअपियर हो जाती हैं, इसीलिए कई जगह कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसके रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होती है या नहीं प्रेजेंट होती है। तो स्टार्टिंग में रूट हेयर प्रेजेंट होती है बट उसके बाद डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे वो डिसअपियर होता है लेटरल रूट्स भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो जो लेटरल रूट्स होते हैं, मतलब जो साइड साइड में, दोनों साइड में जो रूट के, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये रूट निकल रहा है, इसके जस्ट
साइड साइड में जो रूट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इसको बोलते हैं लेटरल रूट। अब ये जो लेटरल रूट्स है ये बिल्कुल सोइल के सरफेस पर कभी कभी बाहर भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी पर फंगल एसोसिएशन पाया जाता है माइकोराइजा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कौन से ग्रुप के फंजाई, बेसिडियो माइसिटीज ग्रुप के फंजाई जो है इस पर प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिकली रिलेशनशिप शो करते हैं। तो अगर उसी स्टेम का आप जब सेक्शन काटते हैं जब वो यंग रहता है, ठीक है, ये तो है ओल्ड स्टेम का सेक्शन और ये है यंग स्टेम का सेक्शन, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है स्टार्टिंग में जब यंग रूट होता है, ठीक है, ये सेल्यूलर डायग्राम कहलाएगा, ठीक है, ये आउटलाइन है सेल्यूलर डायग्राम जिसमें सेल की सभी सभी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, कौन सा सेल्स है कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट जिसमें आप लिखेंगे कि इसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, थिक लेयर क्यूटिकल की प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो इसमें कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है, उसके बाद फ्लोएम एंडो डर्मिस पर दिखाई देगा रेजिन कैनाल, ठीक है। और इसमें प्रोटोजाइलम जो बाहर की तरफ जो जाइलम होता है उसको हम प्रोटोजाइलम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटाजाइलम जो सेंटर की तरफ होता है, ठीक। और उसके बाद इसमें जो है पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल के अंदर ही मैंने आपको टेरिडोफाइटा का जब मैं स्टीलर सिस्टम समझा रहा था तो वहीं पर बताया था कि पेरिसाइकिल के अंदर जो है कंडक्टिव टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अगर आप इसका ओल्ड डायग्राम ध्यान से देखें तो इसमें कॉर्क प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा जिसके अंदर रेजिन कैनाल स्टोन सेल्स प्रेजेंट होगी, रेजिन कैनाल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब जब कैम्बियम की एक्टिविटी होगी उसी से बनता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम उसी से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, ये जो है प्राइमरी जाइलम में के जो मेटाजाइलम है वो जस्ट किनारे किनारे पर और जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये पिथ है, ठीक है। ये ओल्ड स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है, इसको फटाफट नोट करें। और अब यहाँ पर इस तरीके से पाइनस की जो इंटरनल एनाटॉमी है या मॉर्फोलॉजी है वो फिनिश होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।